दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट हाँ मन्ने मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी। नहीं, आपकी सेवा करती रहूंगी। हाँ, महलों की रहने वाली हूँ, गलीचों पे सोने वाली हूँ, मेरे साथ कांटों में रहन कहाँ बिताओगी। इसलिए एक काम करना तुम। क्या महाराज? और बरनी काम करो मत दूजा, और जब तक हम लौट न आवे तो नु करो शिव जी की। अरे पति मेरे काम करो नहीं दूजा, जब तक लौट आओगे नहीं तो नु करूंगी शिव जी की। रानी मंजावती। हाँ महाराज। एक काम और करना। क्या? के मेरी सुन मंझासी पटरानी, और दुख मत दीजिए सौरान ने, सोन के ऊपर तुम हो पट। ठीक है महाराज, मगर एक काम कर दो। क्या महाराज? चलते समय एक लोटा पानी पिला दो, मैं बियाबान के लिए रवाना हो जाऊंगा। महाराज। हाँ। मैं पानी लेके आती हूँ, आप यहीं बैठना, चले मन जाना महाराज। ठीक है। ठीक है महाराज। हाँ भगवान, मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ, मैं अपने पति महाराज को यहाँ छोड़ के गई। मेरे पति महाराज कहाँ गए? और ये हमारे भूपाल दादा, ये हमारे गुर्जर ठाकुर साहब, ये हमारे पुराने जोड़ीदार भैया, ये भी हमारे लिए 51 रुपए दे रहे हैं। पाटिया जोड़ के नमस्कार कर दिया। गए।
और अंधेरी दुनिया और भरम के जाला बनाए, अंधेरी दुनिया भरम के जाला बनाए, ए अंधेरी दुनिया भरम के जाला बनाए, अंधेरी दुनिया भरम के जाला बनाए, हाँ अपनो पुत्र और खेरी कोई कई भाई बिकाए पिता संग दंगा मदंगा मरे गजा पहुंचाए रामा मरे गजा पहुंचाए, आजियत पिता संग दंगा मदंगा मरे गजा पहुंचाए रामा मरे गजा पहुंचाए, पत्थर की पटिया बाई के देव बनाए रामा बाई के देव बनाए, काट काट पत्थर की पटिया बाई के देव बनाए रामा बाई के देव बनाए, सोई ऐसी देवी खून की प्यासी बनबई का खाए नहीं खाए, करदास बाबा फकरदास देखिए तू गांजा भांग बहुत खाता पीता है, अरे आज किसी बस्ती में इसी गांव में चलेंगे, तेरे गांजे भांग के लिए कुछ बिच्छा दे के लाएंगे, दे उसका वाला और ना दे उसका वाला, चलिए बाबा अच्छी गाते बजाते चलेंगे चला है। हाँ बाबा, बाबा तू आज मैं भजन में घुस ले, अरे पागल भजन में घुसा नहीं जाता है, भजन को सीखा जाता है। हाँ सिखा दे बाबा आज। हाँ अरे क्या ढूंढे देश विदेश में, अरे बस है प्रेम के बस में, बेटी मैं ना ढोलक में ना बेटी मैं और नाच मटा की तोर में, अरे बस में बके बस में क्या ढूंढे, बस में क्या ढूंढे सब में
बिजोली और मुंशी साहब ये हमारे भजन पर खुश हो गए। 51 रुपया ये हमारे चेला के लिए बांग गाने के लिए देते हैं। ए ने ने ए डॉक्टर साहब हमारे भजन पे खुश होकर के आए, हमारी पार्टी को 11 रुपया दे रहे। बाबा भक्तदास बाबा अबे मया ना आओ, भजन एक और हो बेटा, भजन एक और हो। अरे और भजन तुझे सिखाया थे भजन को आज मुझे सुना बेटे। बाबा अरे जा चरा का को बाना भैया बड़ैया कोई रोइया बाबा फकरदास मेरे भजन की टाप हो गई। मेरा बेटा आसन लगाओ बाबा। अब हम बासन लगा लू। अबे पागल मैं चेला दूसरा कर लूंगा, आसन लगाओ मेरे। ओ आसन आसन बाबा भेज जाओ। नहीं नहीं ले पाए।
तेरा फकरदास आओ फकरदास आप इधर को बेटा शुरू हो जाओ आओ अरे सीता पहला बोला कि मेरे भजन में भेंगड़ा आरेगा तो मैं तेरा चेला नहीं रखूंगा चेला दूसरा कर लूंगा चल एक बार और सिखाऊंगा और या तेरे कुटिया छोड़ के तुझे रवाना कर दूंगा मैंने तुझसे कही कि तू मगर मेरे एक बात को भजना भेंग पा रहा है मैं चेहरा दूसरा कर लूंगा एक बार और सुखाऊंगा या सब आ जाऊंगा अरे सीताराम को चेला राधे सीताराम बाबा सीताराम बाबा वो चेली बना ले तुम बाबा तुम बना लो नहीं बाबा जा मैं सलीम बाबा कौन से हैं ऐसे हूँ कंपनी को जिन लोग लाए लोग ए बाबा तुम्हें चेली बना ले हूँ मेरी किस्म ए बाबा बाबा देखिए तुम बना ले, 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 नहीं, नहीं, ए कन्या हो ए बाबा कभी चेली नहीं बनाती है क्या चेला बनाते हैं तो चेला बना ले क्या है तुम चेली है चेला कैसे बना ले, 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 ले। नहीं नहीं तुम आना पुजारी बाबा श्रद्धा श्रद्धा जी ए बाबा सुनो और चले संन्यासी और मंदिर में और तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे साथ साथ घनकाए जाए मंदिर में पापू तेरे अंदर में तुम्हारी दिया पे गोल गोल टिक्कर बनाकर ए बाबा जी
मैं दाल बहुत अच्छी बना लेती हूँ। देखिए कन्या हाँ। ए चेले होते चेला बनाते बाबा, चेली कभी नहीं बनाएंगे। आए जोगी राम करे सोई होएगी। आए जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हो जाने तुझको खबर कब हो। जाने तुझको खबर कब हो। वो चंदा भी देखे तारे भी देखे देखा सूरज उगता। ये हमारे मेहने बलमान नौटंकी वाले दादाजी किस बजे रहे। चंदा भी देखे तारे देखे देखे सूरज परसों, वो जब से जोगी तुमको देखा मन में भाग गई परसों। अरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको वो जाने तुझको खबर कब होगी। बाबा ए बाबा आए मैं भैया। देखिए कन्या ए बाबा हाँ। सर्दी लग रही है ले चलो मो ये बताओ जी बाबा न मरे वो न मन न दे वो न खाए वो न खाना। ओ मुंशी दादा चेली बना ले वो तो बहुत दिन आए गए इसके लोगों ढूंढ चलो को मो न माले मो ए कन्या हो मो पे ये बना चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरा। बाबा तुम्हारी भांग अब मैं नहीं घोटूंगी मुंशी दादा बहुत चले गई। हाँ बेशक तुम्हारे आलू महंगे भी कच्चे मध्य भी कहो को मतलब मो पे अब ना चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरा। अब ना चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरा। हमारे मुंशी गुर्जर बिचोली गुर्जर और ये हमारे भगवान दादाजी और हमारे मुच्छर दादा उराबर वाले इक्यावन पदरे पहली गड़बड़िया मेरी मैयों से करी दई। अब ना चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरा। अब ना चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरा। जा दिन हमारे नहने बलमा रुपए दे रहे किस दूजी खबरिया मेरी चिट्ठी से करी लई। जा दिन पे नौटंकी में आई जी मुंशी करे मत बेटा मैं मर गया मेरा। अब न चले सिलवट्टा सिंगट्टा मेरा। Thank you.
ओ भूपान दादा अब तो मो ले चलो अम्बा तुम्हारी मारुति हो बेटा के। ए भाई भजन लो घुस लो बाबा अबे साले भजन लो घुस लो बाबा मेरे को सीखा जाता है आओ अरे मोहन जबरी जबरी का उड़ाई आज ना ले रहा आ जा चल बोलो आलो बेनो डारेगा तो यहाँ से तुझे कुटिया से बाहर कर दूंगा अबे कुटिया के बाहर कर दू जाएगा मनो में नायल देखिए मुझसे ज्यादा कौन तपस्या का है मुझको भजन नहीं कहने दे रहा है जाइए कुटिया के दरवाजे पर देख के आइए ठीक है बाबा जाइए देख भाई आ रहा देखे भाई आ रहा हूँ जाइए कुटिया के बाहर को खा रहा हो अबे कुटिया के बाहर नहीं दरवाजे पर देख के आओ कौन है दरवाजे पर आओ पागल ऐसा था रे हुआ है कि तुझे पैर छूने को जुगरा हो तेरे कुछ कहा तो नहीं उसे मैंने कछू ना कही भैया की मैं पाए पकड़ रहा हूँ पाए चल मैं देखूंगा चल के सीताराम सीताराम देख लो साले पैर छूने को रुक रहा है तू उसको पीट रहा है तो पाँव पकड़ लो भजेंगे देखिए ना मालूम मैं तो 12 साल से आसन लगा के तपस्या भजन कर रहा हूँ जो मेरे कुटिया के दरवाजे ना मालूम 12 साल से एक पैर से खड़ा है उससे बात करूंगा आप आराम से बैठ जाइए मैं ठीक है बाबा ए चेला हाँ बाबा ये बोलिए आज तुम आए हो मेरे कुटिया पे तो आज तुम मांगना हो सो मांग सकते हो महाराज हाँ महाराज मैं मांगूंगा जरूर हाँ पहले दरवाजा भर दीजिए कि जो मैं मांगू वही पाऊं और फिर तुम्हारी मठी पे कभी नहीं आऊं ठीक है कोई बात नहीं वो किसी ने कहा है अरे मोर बच्चन जय पर जय फीका संत वचन पत्र की लिखा महाराज मैंने क्या हाथ उसे दिया और दिया महाराज मांगिए महाराज धन दौलत मेरे अपार है महाराज धन दौलत मेरे अपार है सिर्फ एक बच्चे की धिक्कार है हे चिला मैं तो समझा कुछ तू और मांगेगा मगर मैं तुझे वचन दिया है वो बचनों को मैं पालन करूंगा ये बतलाइए मुझे दे 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 मोरा बाबा तू मोरा दे ब्याह तू वहां भी आता हूँ चला मैंने वचन दिया है उसको फर्ज नवाऊंगा मगर मुझे ये बतलाइए अरे कौन सा तेरा नाम है और क्या तेरा धाम है महाराज हाँ महाराज देश नरवर मेरा धाम है महाराज देश निर्भर मेरा धाम है अरे राजा प्रथम मेरा नाम है अत्याचार्य घमंडी अन्यायी राजा ए राजा प्रताप मैंने तू इतना अत्याचारी राजा है इतना अन्यायी राजा है मेरे एक जन्म पंथ का है तू सात जन्म तक औलाद का मौन देख सकता है महाराज हाँ महाराज मैंने ऐसा कौन सा जन्म में पाप किया है जो मैं सात जन्म तक औलाद का मुंह नहीं देख सकता हूँ ए राजा प्रताप
मुझे 3 जन्मों की तेरी याद खा रही है। कैसे महाराज? बता सकती हूँ। देखिए पहला जन्म तू राजा कौन था? ठीक है महाराज। हाँ पहले जन्म तू राजा कौन था? 101 ऋणों को तेने एक हिरण मारा था। अच्छा महाराज। 100 हिरणों को श्राप लगाए के राजा कौन? तूने आज हम 100 हिरणी विधवा करी है, किसी दिन तू भी एक पत्थर को बिलखेगा। ठीक है महाराज। और दूसरे जन्म में मैंने क्या काम किया है? दूसरे जन्म तू राजा दशरथ बना था। अच्छा। तूने तालाब खुदाया, तालाब खुदा करके प्रतिज्ञा की कि पहले अपने भानेजे को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद किसी और को पीना। तूने कोई तीसरे जन्म में महाराज? देखिए तेरा भानज अपने माँ बाप के लेके तू भी लेके आया, तूने बड़ा बाण तू भी को बोला और तूने उसे बाण मारा, वो खत्म हुआ, वो भी तुझे श्राप लगा है। और तेरी हत्या तेरे सरपना में तेरे मुखावन देखने से ये मैत्राणी खत्म हुई या ना हुई? महाराज हाँ महाराज, मुझे अगले 2 जन्मों का तो कोई ध्यान नहीं है, मगर इस जन्म का मुझे अवश्य ध्यान है। मेरे मुखारवन देखने से मैत्रानी अवश्य खत्म हुई है। महाराज या तो अपने बचनों को वापस ले लीजिए, या तो अपने बचनों को वापस ले लीजिए, नहीं तो कुटिया का रहना छोड़ दीजिए। महाराज कोई बात नहीं राजा प्रताप, मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं बचनों को अवश्य करके पालन करूंगा। ए चेला लकड़दास, मेरी खुची को लेके आओ। ए राजा प्रताप। हाँ महाराज। लीजिए मेरे पास ये चावल है, ये चावल को ले जाओ, अपनी रानी को खिला दो और निपुत्री का दोष अवश्य करके मिट जाएगा। महाराज हाँ महाराज, चावल दिया आपने मुझे एक है, महाराज चावल दिया आपने मुझे एक है, मगर मेरे महलों में रानी एक से एक है। अंदर ठेला पहले छिया का ठेला घेरे फिर रहा था, तो हूँ और बाबा रड़ुआ रहेगा है। कोई बात नहीं है, मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं एक जतन बताऊंगा, उसको कर लेना। क्या महाराज? देखिए या तो बाजार पिनाट लगती पड़ती है और पिनाट नहीं जाए तो हमारे मुंशी जाना और बिजोली के महल में चले जाना, उससे चावल 100 ले लेना। तो महाराज में गुड़िया को जन्म जा तू, कोई बता नहीं है, और कल कबस करके 100 चावल बाजार से ले जा करके और अपनी सबसे बड़ी रानी को खिला देना दे, और 100 छोटी रानियों को खिला देना, पुत्री का दोस्त तेरा आवाज करके बैठेगा। ठीक है महाराज, मैं जा सकता हूँ? चेला लकड़दास, बाबा राजा प्रताप देख वो कौन जा रहा है। मंगाना भाई तोला सा राम को ना खाए। ए भगवान, जो साधु महात्मा थे और वो भी गायब हो गए। ये महाराज ने मुझे चावल दिया है, मैं अपने नरवर में 101 रानियों को दूंगा, और सबसे प्रिय रानी रामी दादोरिया मामा, सबसे प्रिय रानी में ये गुड़िया है, भाई दे हूं।